नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां देखेंगे खबर सच। जनपद के सफीपुर और बांगरमऊ तहसील क्षेत्र में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का हंटर। आपको बता दें कि शासन के निर्देश पर हरदोई उन्नाव मुख्य मार्ग पर अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अवैध अतिक्रमण गुप्ता पेट्रोल पंप से लेकर विद्युत उपखंड कार्यालय तक व मियागंज तिराहा से महात्मा गांधी इंटर कॉलेज तक अवैध रूप से लगाई गई दुकानें हटवाई गईं। अवैध अतिक्रमण अभियान एसडीएम व सीईओ के नेतृत्व में चलाया गया है। अधिकारी बुलडोजर लेकर सड़क पर निकले तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। मामूली झड़प के साथ मुख्य मार्ग के अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। दुकानदारों के सामने अब रोटी रोजी का संकट छा गया है। दुकानदारों ने बताया कि नगर पंचायत ने बैंक से लोन दिलाया था, अब दुकानें उजाड़ दी गई हैं। योगी सरकार 2.0 में बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को हटाने की शुरुआत हो गई है और नव हरदोई मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से लगी दुकानें जेसीबी से हटवाई गईं। और वहीं कस्बा सफीपुर, कस्बा बांगरमऊ, कस्बा औरास, कस्बा फतेहपुर चौरासी में भी आला अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लेकर सड़क पर आ गए हैं। वहीं तहसील के सामने ठेलियां लगाने वाले दुकानदार मनमोहन ने बताया कि वह फल बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। 2 माह पूर्व नगर पंचायत ने 10,000 का बैंक से लोन दिलाया था, अब दुकान भी उजड़ गई और बताए हम क्या करें। और इतना ही नहीं, जनपद के लोगों में रोष भी व्याप्त है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि हमारा उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार इन लोगों के लिए क्या रोजगार देती है। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।